अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो नया साल शुरू हो चुका है और कल आपने देखा हमारे नए साल का शो, जिसमें हमारी डिस्कशन हुई जतिन सप्रू से और बात हुई नए साल के हवाले से, 2020 के हवाले से कि कैसा गुजरा 2020। मगर आज हमारा ज्यादा फोकस होगा और हमारी डिस्कशन होगी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के हवाले से, बिकॉज इतना जबरदस्त टेस्ट, एक टेस्ट सीरीज जिसका शिद्दत से इंतजार था जब से 2020 शुरू हुआ था। और 2020 में पोस्ट कोविड पे अगर मैं बात करूं कि जिस सीरीज का बहुत सबको इंतजार था, द क्रिकेटिंग वर्ल्ड वॉज वेटिंग फॉर दिस सीरीज, उस सीरीज के हवाले से डिस्कस करेंगे। एंड डिस्कशन करने के लिए मेरे पास फिर से आज मौजूद है जतिन सप्रू। और अब हम थोड़ा सा जरा जो अब मजेदार टेस्ट मैचेस हम देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज देख रहे हैं मजेदार दोनों तरफ। अगर मैं बात करूं जो इंडियन फैंस हैं, जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, एक तरफ जो पाकिस्तान फैंस हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं, दोनों तरफ टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, अच्छे जबरदस्त टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, अब मैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया की आपसे बात करूं, सो नो विराट कोहली, नो रोहित शर्मा, नो ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी भी जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, एंड इवन देन इंडिया विंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। यार मतलब क्या हो गया, मुझे लगता है डेस्परेट थे अब ये खेलने के लिए, और फिर खेले तो ऐसा खेले कि वाह वाह। आई थिंक दिस हैज टू रेट एज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट विंस अब्रॉड। हर जनरेशन में एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर मैच का एक कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, यू नो। सो हमारी जनरेशन जब हम बड़े हो रहे थे 2003 में, जब राहुल द्रविड बीवीएस लक्ष्मण की पार्टनरशिप थी एडिलेड में, वो मैच जीता था, फॉर अस दैट वाज द पिनिकल। उसके पहले की कहानियां पड़ी थी जो कपिल देव ने इंजरी के बावजूद 150 डिफेंड करते हुए ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में आउट कर दिया था, मैच जीता था। सो फॉर एवरी जनरेशन देयर इज अ गेम दैट बिकम्स द अल्टीमेट। सो फॉर दिस करंट जनरेशन ग्रोइंग अप, इनके लिए दिस गेम विल फॉरएवर स्टे एच्ड इन देयर मेमोरीज, यू नो। बिकॉज अच्छी बात ये थी, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, व्हेन दैट 36 हैपेंड, बड़े लोग एकदम से यू नो इंटरेस्टेड हो गए थे, एंड दे वर कॉलिंग इट, ऑब्वियसली इट वाज अ हिस्टोरिक लॉस, इट वाज रॉक बॉटम इन टर्म्स ऑफ द नंबर, लोएस्ट टेस्ट टोटल एंड एवरीथिंग, बट इट नेवर फेल्ट कि यहां से कहानी बिगड़ेगी। इट वॉज जस्ट दैट दिस इज अ फ्रीक इंसिडेंट, यू नो। लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे एंटरटेनिंग यूट्यूब वीडियोज देखे थे मैंने जो सबने मतलब ठीक है पौका था कि सुबह उठे एंड अरे ये क्या हो गया, आई वॉज थिंकिंग दिस एंड दैट, ठीक है, यू नो देयर इज ऑलवेज गुड स्लेजिंग एंड बैंटर दैट गोज ऑन, बट इट जस्ट फेल्ट जो दो दिन जैसे वो खेले थे विद दैट कॉन्फिडेंस, इट फेल्ट ये बड़ा एक फ्रीकी सेशन गुजरा है। बट इससे ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड बन जाएगा, विराट कोहली's absence was going to be a big, big factor, but I think the discipline and the mental strength that Ajinkya Rahane has, that Cheteshwar Pujara has, this team has, अच्छी बात ये थी कि तीन टेस्ट मैच बचे थे, but we don't know what was going in their minds, but honestly of whatever I've seen of this team for the last 2-3 years, I was quietly confident कि maybe they won't go on to win in Melbourne, but ये पक्का था that they're going to fight better. Because in Adelaide, before that freak session, India had their nose ahead. So, pehle do din us tour ke pink ball ke saath, we had Australia marginally behind us. So, that freak session with incredible bowling went their way. And, you know, test matches ka charm hai ki ek session hum kehte hai na ki aksar nikal jata hai. Lekin uske pehle 6 sessions mein India ne dominate kiya tha. So, you knew that it's just mental. But with the changes, आई थिंक मोहम्मद सिराज उनकी कहानी, यू नो, जब इस टूर पे गए थे उनके वालिद साहब गुजर गए, वो वापस नहीं गए, उनको खेलने का चांस मिला, सो इट जस्ट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट इंडियाज डोमेस्टिक सर्किट हैज बीन विद समवन लाइक सिराज, वो इतना डोमेस्टिक भी रेड बॉल क्रिकेट इतना नहीं खेले हैं, बट दिस इज वेयर द आईपीएल कम्स इन, वेयर दीस गाइज आर कॉन्फिडेंट, राइट? सो द टीम, एंड पिछली बार सीरीज जीत के जब आप जाते हैं, यू जस्ट रिमाइंडिंग योरसेल्फ, वेट, हम यहां पे आके सीरीज जीत के गए थे, और उस टाइम देयर वाज ऑब्वियसली अ फ्रैक्शन जो हमेशा कहते हैं हाँ, पर स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर तो नहीं थे ना, हाउ डज इट मैटर, यहां पे इंडिया की टीम में विराट कोहली नहीं, शमी नहीं, ईशांत शर्मा नहीं, वहां स्टीव स्मिथ तो थे, लाबुशेन बन गए अब, लेकिन फिर भी हरा दिया। सो ना 2018-19 फ्लूक था, ना ये फ्लूक है, बीच में अगर कुछ फ्लूक आया था तो वो 36 फ्लूक था, बिल्कुल वो 36, और उस 36 से वापस रिकवर करना, दैट इज वेयर दिस टीम इज।
बिल्कुल, वो 36 और 36 से वापस रिकवर करना, it was amazing. मतलब बहुत मुश्किल होता है टीम्स को वापस उठना उस 36 से और अपने रेगुलर कैप्टन के बगैर. बट अच्छी बात एक जतिन ये हुई कि वुड इट बी राइट टू से दैट विराट कोहली की एब्सेंस एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, बिकॉज जब तक विराट होते हैं टीम में, रोहित शर्मा होते हैं टीम में, ऐसा लगता है वो अंडर द शैडो होते हैं, सारे प्लेयर्स उनके शैडो के अंडर होते हैं और वो उस तरह परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज उनको पता होता है रोहित है, रोहित ऊपर से कर देगा, विराट आएगा विराट कर देगा, और बारी नहीं आती. अक्सर तो ऐसा होता है कि मौका नहीं मिलता परफॉर्म करने का बाकियों को, मगर जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई इस पूरी टीम ने विद द एब्सेंस ऑफ दीज प्लेयर्स, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी एक तरीके से. आई वुड लुक एट इट स्लाइटली डिफरेंटली, बिकॉज अगर 2018-19 का जो टूर देखेंगे, विराट जस्ट हैड वन गुड नॉक एंड उस टूर में द स्टार वाज चेतेश्वर पुजारा एंड द बोलर्स. One yes. of the biggest things that's changed is this bowling group, right? And Virat, jab se captain bane, he insisted on playing an extra bowler. He insisted on backing his pacers a lot more. See, MS Dhoni ke paas ye sab pacers, ye pura attack us level pe nahi tha shayad, because all of them were, you know, taking steps and finding their mojo. But Virat Kohli, the captain, got Ishan Sharma, who was a renewed Ishan Sharma. He had Mohammad Shami, who had just hit the peak of his career. He had Jasprit Bumrah, who has come like a storm and blown everyone away. So MS Dhoni also did not have all these options. Sometimes he had limited options. So wo apni batting ko zyada strength dete the. Lekin test matches aap jeetne apni bowling ke saath more often than not. So Virat's template did very good things. Ajinkya Rahane has always been an excellent deputy. Unka aap record dekhen jo Dharamshala mein match tha jahan Virat nahi khele the, Australia ke against thi. Unki leadership mein kabhi koi question mark hai nahi, because domestic Mumbai ke liye khelte hain, which is one of our strongest teams. Wahan pe he has honed his skills. It might have egged them on ki, you know, hame cover up karna hai that even Virat is not there. But I don't think anyone thinks ki hame chance nahi milta when Virat is there, because if you look at the last 4-5 years, this team's dominance, Virat has got those double hundreds. Ajinkya has not really hit the best patch of consistency, but this is his quality, this is his class, that on his day, was South Africa third test match ke liye, he played a match-winning 48 on that explosive wicket. So, this is the faith that has been shown in these guys, and blessing in disguise, so I won't say, because even if Virat was there, I think the team would have responded the same way. Mm-hmm. He's been an excellent captain, especially in the longest format, and I would just say ki ek almost extra chapter jud gaya ki, you know, in the absence of Virat, but I think the team would have been as committed. And it's a luxury that India has, that in the absence of Virat, in limited overs, you've got a captain like Rohit Sharma. And in the absence of Virat, in test matches, we've got a captain like Ajinkya Rahane. Not many teams will have that luxury. True, a strong captain backup एक बहुत बड़ी लग्जरी किसी भी मुल्क के लिए होगी. बट जतिन, सेकेंड टेस्ट के बाद इंडिया में क्या माहौल था? क्या वो लोग जो कि 4-0 हो जाएगा, इंडिया तो कुछ नहीं कर पाएगी सामने, ऑस्ट्रेलिया में जाके कैसे खेलेगी, ओ हो विराट भी जा रहा है, क्या जरूरत थी पटर्निटी लीव की, कहाँ चला गया, वापस आ गया टीम को छोड़ के, यडा यडा यडा, जो ये सारी बातें हो रही थी, सेकेंड टेस्ट के बाद क्या माहौल था इंडिया में? कोट करके रीट्वीट कर रहे थे वो सारे ट्वीट सारे लोग हैं कि मतलब सी आई थिंक ये बहुत अच्छी स्टोरी लाइन बन जाती हैं, ये बहुत अच्छी बैंटर बन जाती है. आई थिंक एक्सपर्ट्स आल्सो नो कि इंडिया में जस्ट द नंबर ऑफ क्रिकेट फैंस, इफ यू पुट समथिंग आउट यू नो इन द मीडिया, समटाइम्स इट्स गुड टू बी इन द न्यूज, वेदर इट्स फॉर गुड रीजंस और फॉर बैड रीजंस, एंड यू नो एवरी फॉर्मर क्रिकेटर एंड इज एंटाइटल्ड टू हिज और हर ओपिनियन. कभी कभी थोड़ा उसमें मसाला ज्यादा होता है, सम पीपल लाइक इट लाइक दैट, लेकिन अब इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ देम. तो इंडिया में भी सारे थोड़ा शुगल मेला जैसे कहते हैं, शुगल मेले लग रहे हैं इंटरनेट पे. अब उनके मैंने रिस्पॉन्सेज देखे नहीं है, बिकॉज यू नो आई एंजॉय इट, इट्स गुड फन एंड आई थिंक दैट्स हाउ टीम शुड ऑल्सो लुक एट इट. बट इट जस्ट टीचेस अस यू नो कि दीज प्रेडिक्शंस एंड ऑल इज मोर फॉर फैंस. I don't know if cricketers really think seriously about it. Neither should they. क्योंकि कोई भी टीम किसी की prediction सुन के ज्यादा charged up नहीं हो सकती. आप बड़ी सीरीज के लिए वैसे ही charged up जाते हो. So देखते हैं अब वो
इन क्रिकेटर्स के इन एक्सपर्ट्स के नए ट्वीट्स क्या होते हैं. एज फार एज विराट पेटर्निटी लीव, यू नो इट्स सच अ पर्सनल डिसीजन. इट इज सच अ पर्सनल डिसीजन एंड ही इज अ ह्यूमन बीइंग. आई अग्री दैट इट्स अ बिग टूर, इट्स अ बिग टेस्ट सीरीज, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग इनफ टीम. And it's a very personal decision, a very special moment. And now you and me know it, right? So I know it. Us time pe, I had, not that I am an important member. I'm not like the captain of the Indian team. Responsibility is different. Lekin emotions apne bachchon se jude sabke same hote hain. So I know what a special moment it was for me. And I wouldn't miss it for the world. So it was his personal call. And I don't think anybody has the right to have an opinion on it. It's his personal call. And he took it. And I think he trusted in the team. And the team has showed that... It's not a one-man army. This Indian team is not a one-man army, and this is the best possible example. बिल्कुल, मतलब टीम ने विराट को कहा, go have your daddy time, and we will just take care of the team. So वो this is really good. But अब मैं अगर debutants की बात करूँ, मोहम्मद सिराज की बात करूं, शुभमन गिल ने जिस तरह अपनी प्रेजेंस शो की है, मतलब डेब्यू करते हैं, यंग लड़का एक डेब्यू करता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने कोई रिगरस पेस अटैक के खिलाफ और इतना डट के खेलता है, मतलब इससे पता चलता है कि कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, कितना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है. या विद शुभमन, और अभी इतने नाम है सवेरा जिनको, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने टाइम से अच्छा करते हुए आ रहे हैं, यू नो, बट दीज वेरी स्पेशल किड्स कम. अब एक स्कूल ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन बी कि देखिए आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे इतने लड़के हैं, अभी अभिमन्यु ईश्वरन है, प्रियंक पांचाल है, जो सीजन दर सीजन 1200 से ज्यादा रन बनाते हैं. मयंक अग्रवाल केम थ्रू दैट रूट, यू नो, एंड गॉट हिज चांस. बट देन यू स्पॉट अ टैलेंट लाइक शुभमन गिल एंड यू से कि ये सिर्फ रन नहीं बनाता यार, ही इज गॉट समथिंग एल्स, यू नो, व्हेन ही प्लेज दैट शॉट. एंड ऐसा नहीं है दैट there was a time where he looked vulnerable in the first innings of Mitchell Starc was bowling, but you imagine he's a 21 22 year old kid facing one of the best bowlers. But that's test cricket, right? You have seen the greatest Pakistani batsmen have a bad session struggling against the best bowlers. It's happened to the greatest Indian batsman and it could happen to a youngster. But aap temperament dekhte hain, aap technique dekhte hain, aap jigra dekhte hain. But Shubman Gill is such a special talent and I just hope that he has, you know, I mere ko thoda rehta hai ki jinx mat kar do yaar, mat karo zyada baat, bas dekhte raho. ये वो क्रिकेटर है जिसके लिए ना आप कहेंगे कि बहुत टाइम है, आप टाइम निकालिए इस क्रिकेटर को देखने के लिए, थोड़ा हाफ अ सेकंड एक्स्ट्रा है, थोड़ा रोहित शर्मा वाली एलिगेंस दिखती है. वो कुछ क्रिकेटर्स होते हैं विराट जैसे, वो जो अर्जेंसी दिखती है, वो स्टाइल है उनका खेलने का. कुछ होते कहते हैं कैसे कर लेते हैं, गॉट दैट लिटिल एक्स्ट्रा टच ऑफ मैजिक. शुभमन हैज इट एंड अगेन ही इज वेरी यंग बट ही इज प्लेड गुड कपल ऑफ डोमेस्टिक सीजन, ही इज प्लेड इन द आईपीएल एंड ऑल दीज किड्स आर under the likes of Rahul Dravid, Paras Mahamre, jo hamara under 19 setup hai, India is setup hai, under some excellent coaches and mentors, and they get the right guidance at the right age. But what do you think, agar main kisi ko ye credit dena chahun ki jis tarah jo debutants aa rahe hain, jo youngsters aa rahe hain, would Rahul Dravid be the name, ya there's a complete lot of people jo ye kar rahe hain? It's a chain, you know, it is a chain. Matlab Rahul bhai, of course, one of our biggest legends. Bahut bada farak padta hai jab aap 17 18 19 saal ke hote hain, under 19 ke liye prepare kar rahe hain aur aapko Rahul Dravid jaise legend ki itni easy access hai. Isme bahut credit isliye jata hai Rahul bhai ko, kyunki you know, for someone of his caliber and his stature to take up a job like this just shows your commitment, how you want to give back. Isse behtar aur kya tarika ho sakta hai to give back. And then you've got, you know, our selectors, VVS Lakshman, Dada, everyone has been to almost like assembly chain bani hui hai, that all these guys know each other. So if they spot someone special, they can speak to the other person, watch out for him, give them enough time at that level. And when the time is right, you promote them. So I think ye pura jo domestic स्ट्रक्चर है, जो एक असेंबली लाइन है, जैसे गाड़ी बनती है, एक एक पार्ट जुड़ता रहता है, उसमें आपके सुपरवाइजर्स हैं. सो सम ऑफ द बेस्ट फॉर्मर क्रिकेटर्स इन इंडिया आर करंटली इन चार्ज ऑफ दैट असेंबली चेन, एंड आई वुड से इट्स द सिस्टम एंड प्रोसेसेस, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू ग्रेट क्रेडिट टू द प्लेयर.
सबसे ज्यादा क्रेडिट प्लेयर की. और शुभमन की कहानी भी ऐसी है ना, उनके पेरेंट्स ने मूव किया एक गांव से, केम क्लोज टू मोहाली फॉर हिम टू प्ले क्रिकेट. सो आई थिंक मेनी पीपल आर इन्वॉल्व, बट एट द एंड ऑफ द डे अ मेजर चंक ऑफ द क्रेडिट नीड्स टू गो टू द प्लेयर. ट्रू, वेरी ट्रू, कि कितना एब्जॉर्ब किया उस प्लेयर ने. सबने तो मेहनत की उसके लिए, बट उसने अपने लिए खुद कितनी मेहनत की. बट थर्ड टेस्ट, रोहित कमिंग बैक, कितना फर्क पड़ेगा? किसकी जगह आपको लगता है कि रोहित जगह बनाएंगे? कौन हटेगा? किसको जगह बनानी पड़ेगी? What do you see coming? See, it's a very, very tough call, I think, for the team. Rohit Sharma is that huge impact player. You know, jaise Virendra Sehwag ko hamesha India talash hai ki, he was once in a generation player, and we know Rohit is also once in a generation player. But we have to realize that Rohit has not played red ball cricket for such a long time. True. Right? Ab wo kitni jaldi for, and you're at a very good stage. But someone like Rohit Sharma, he's finished his quarantine, he's there. So I think the team management has put out a very, very valid statement ki hum Rohit se bhi jaan ke assess karne ki koshish karenge that, you know, where is he? Hamstring injury asaan nahi hoti, aur test match ke beech mein agar aapka main batsman injure ho jaye, so that can be a big, big problem. But likelihood agar Rohit aayenge, I think it's only fair that he opens the inning. Because pichle season... वो एज एन ओपनर एस्टैब्लिश हुए टीम में, अपनी सेकंड इनिंग्स टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. ही लाइक्स द पेस एंड बाउंस इन ऑस्ट्रेलिया. तो अगर रोहित खेलते हैं, सो आई थिंक इट विल ओनली मेक सेंस फॉर हिम टू ओपन. मयंक हैज नॉट डन वेल इन टू मैचेस, बट यू नो ही डिड वेल इन ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम जहां से उनका करियर शुरू हुआ था. हनुमा विहारी को खिला के दे गेव, अजिंक्य रहाणे आई थिंक गेव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इफ यू हैवंट डन समथिंग रॉन्ग, वी विल नॉट जस्ट लुक एट यू नो समबडी एल्स एंड जस्ट make you sit out. So it will be a tough call. Shubman, I think, has to play. So if at all, I think if Shubman goes into the middle order, maybe he comes in place of Vihari or Mayank. I think it will be a tricky call. But also, like the team said, how ready is Rohit Sharma to straight away play? It's confirmed now it will be in Sydney. It's a venue that India has liked before. So tough rahega, very tough call, because jo bhi bahar jayega, it's not going to be easy. And now you're in a good position, you know, so you don't want that balance zyada bigad jaye. So it's a very, very tricky side. You're the winning side. So you're the winning side. Yeah. The toughest question, prediction. What do you think? What's happening in this series? Dekhe 1-1 ho gaya hai, do aur baki hain. Kya kya hone wala hai? What do you think? Kya result aane wala hai? The way India is bowling, I think they're, if we can keep Labuschagne and Steve Smith quiet, jaise rakha hai abhi tak, that will be incredible. See, pacers acha karenge, but for me, jo bowling dekh ke sabse zyada maza aaya is Ravichandran Ashwin. Wo start se khel rahe hain is baar series, you know, every time hamare Asia mein bahut hota hai, hum kehte hain hamare spinners dekhiye ghar pe kitna acha perform karte hain bahar, but Ashwin just proved that, you know, the modern day legend he is with the ball, with the red ball. He is an unbelievable bowler. He comes out with preparation, and the way he is bowled has allowed India to capitalize on that middle order as well. Jaise unhone phasa ke Labuschagne ko out kiya hai, jaise unhone Ashwin ke khilaf plan rakhe hain, aur Sydney ki wicket suit bhi kar sakti hai Ashwin ko. You know, dhoop niklegi, wicket aksar suit kari hai hamesha Sydney ki India ko. So Sydney, we need to focus, because the last one will be tricky. Last one, Brisbane is going to be tricky. That is Australia's forte. But wahan tak jaate jaate, jitni pressure mein unki batting hai, I seriously think India is going to win this series. After this win, Australia were obviously talking a lot that, oh, and we are glad that they are under stress and everything. But the joke's not on India. Because after 36, India has recorded one of the greatest comebacks. No Australian batsman has got to a 50. India has found a way to tackle their bowlers, who are brilliant. So I think two great bowling attacks are going at each other. So I think India has got the upper edge now. Sydney should set the tone, because Brisbane will be tough. India is winning this series, Jatin Sapru says. ठीक है जी, जतिन सप्रू की जो है प्रेडिक्शन है दैट इंडिया इज विनिंग दिस सीरीज, एंड आई होप ऐसा हो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब एशियन टीम्स बाहर जाती हैं सेना कंडीशंस में, बड़ा शोर मचता है भाई. जबकि वो टीम जब हमारे पास आती है तो कोई शोर नहीं मचाता, जीत रहे नहीं जीत रहे, क्यों नहीं जीत रहे, बट हम जब सेना कंडीशंस में जाते हैं ना,
तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि वहां जीतना है, वहां परफॉर्म करना है. सो आई होप कि ये आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो. तो ये थी हमारे दो एपिसोड्स की सीरीज जिसमें हमने न्यू ईयर के हवाले से बात की एंड देन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के हवाले से बात की. जतिन सप्रू हमारे साथ मौजूद थे और उनकी प्रेडिक्शन आप लोगों ने सुनी कि उनको लगता है इंडिया वुड विन दिस सीरीज. और ये होता है ओपिनियन का चेंज ओवर जब 36 पे पूरी टीम आउट हो गई थी. उसके बाद सबको लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वुड क्लीन स्वीप 4-0 हो जाएगा, मगर जिस तरह इंडिया ने सेकंड टेस्ट में टर्न अराउंड किया उसी तरह लोगों का थॉट प्रोसेस भी टर्न अराउंड हुआ है और अब ये प्रेडिक्शंस आने लगी हैं कि इंडिया ये सीरीज अपने नाम कर सकती है. सो लेट्स सी जब थर्ड टेस्ट में हमें रोहित शर्मा खेलते हुए दिखेंगे कितना फर्क पड़ता है. और सिडनी, जैसे जतिन ने भी कहा कि इट्स वन ऑफ द फेवरेट वेन्यू फॉर इंडिया. सो लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है टीम इंडिया की. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आपको कैसा लगा आज का ये शो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.